हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम बनाएंगे चटपटी मसालेदार सैंडविच। खाने में भी बहुत यमी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, इसीलिए मैं आज ये रेसिपी लेके आई हूँ। हमें ये सैंडविच बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है उबले हुए आलू। आलू का छिलका मैंने अच्छे से निकाल दिया है और इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। और बघार करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए राई, ज़ीरा, हींग, कड़ी पत्ता, एक हरी मिर्च, टमाटर, कोथमीर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चीनी, गरम मसाला पाउडर, एक नींबू का रस और ब्रेड। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, इससे हम अच्छी सैंडविच बनाएंगे। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें राई, ज़ीरा, हींग और कड़ी पत्ता डाल देंगे। उसको अच्छे से 2 मिनट तेल में रखेंगे। अब हम उसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च, दोनों को अच्छे से हिलाएंगे थोड़ी देर, जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अब हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम सारा सूखा मसाला डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। एक नींबू का रस भी जो हमने निकाल के रखा था वो भी डाल देंगे। कोथमीर भी डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों, आपको इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डालना है, आपको ऐसे ही इसको तेल में ही पकाना है। हमें 2-3 मिनट अच्छे से इसको हम पका लेंगे। अब हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं सारे आलू को इसमें डाल दूंगी और अच्छे से हिला लूंगी। अगर दोस्तों आप ज़्यादा तीखा, खट्टा, मीठा जो भी खाना चाहिए वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आप देख सकते हो हमारा जो मसाला और आलू है वो दोनों अच्छे से घुल गए हैं और अच्छे से पक गए हैं। इसे मैंने स्लो फ्लेम पे ही पकाया है, आप भी स्लो फ्लेम पे ही पकाना, वरना मसाला नीचे से थोड़ा थोड़ा जल जाएगा। आप स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा और अच्छे से हो जाएगा और स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। अब हमारा मसाला जो है वो हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे। और मैंने यहाँ पे पहले से ही मशीन गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं स्टफिंग, आलू की स्टफिंग ब्रेड में अच्छे से लगा दूंगी। आप जितना मसाला खाना चाहिए उतना लगा सकते हो, कम या ज़्यादा या बराबर भी, जैसे आप खाना चाहिए ऐसे। आप इसमें टमाटर, प्याज, चीज़ वो सब भी डाल के खाना चाहिए तो भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए वैसे आप इसमें स्टफिंग कर सकते हैं, पर ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। हमारी सैंडविच हो चुकी है, अब हम इसमें सेकने के लिए रखेंगे। हमारा मशीन है जो वो गर्म हो चुका है। अब हम दोनों साइड से इसमें ऑयल लगा देंगे और सेकने के लिए रख देंगे 5 मिनट तक। आप तवे पे सेकना चाहे तो भी सेक सकते हैं, मशीन में चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो तवे में भी आप इसको सेक सकते हैं ऑयल लगा के, बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। ऑयल लगाएंगे तो आप बिना ऑयल के वो थोड़ी सी
क्रिस्पी नहीं होगी, ऑयल लगाइए तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। 5 मिनट तक इसे हम अच्छे से सेकने देंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी सैंडविच हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। सभी सैंडविच इसी तरह से हम पका लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी नई नई रेसिपी सबसे पहले आप देख सकें। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हरी चटनी और सॉस के साथ सैंडविच बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।